गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये बड़ा सा बॉक्स जो कि 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम ओबैग इंटरप्राइजेस कंपनी की तरफ से है, जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में करूंगा इसी को अनबॉक्स और साथ ही करूंगा इसका फुल रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्ड क्वालिटी से लेके इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इसकी प्राइस की, क्या वाकई में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं भाई तेरा टेक्निकल। दोस्तों अभी मैंने कर दिया इस मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम को अनबॉक्स, और अनबॉक्स करते वक्त वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो बात करें इस बड़े से बेस और चार स्पीकर्स के साथ हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बॉक्स में हमें ये कुछ पेपर वर्क मिलते हैं, जिसमें ये एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड दिया है, तो अभी इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसमें हमें ये मिलता है एंटीना जो कि FM रेडियो सपोर्ट इसमें दिया गया है, तो ये उसके लिए है। और इसमें आपको आगे मिलती है ये केबल जो कि आप इससे अपने टीवी वगैरह में इस होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या आप फोन से डायरेक्ट स्पीकर में लगाकर आप गाने बजा सकते हैं, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और लास्ट में मिलता है ये हमें बिल, तो बिल की बात आती है तो बात इसके प्राइस की आती है। तो मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये सिर्फ 3,799 रुपये का है। तो इस प्राइस रेंज में बहुत ही तगड़ा बेस होने वाला है, पूरा रिव्यू देख के जाइएगा। मैं अभी इसके साउंड टेस्ट और बिल्ड क्वालिटी और भी कई फीचर्स की बात करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको ये बिल्कुल वुडन बॉडी का बेस मिलेगा, और साथ में ये सामने आपको मेटल बॉडी स्पीकर के लिए देखने को मिलेगी। और इसमें आपको साइड में दिया गया है एयर बेस जो कि बाहर फेंकता है उसके लिए। और स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर में भी आपको साइड में इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, और सामने मेटल बॉडी, और पीछे आपको फोल्डिंग के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इसको वॉल वगैरह पे होल्ड कर सकते हैं। और नीचे आपको ग्रिप के लिए भी स्टैंड दिए गए हैं, जिसे आप रखेंगे तो आपके जो स्पीकर्स हैं वो कहीं इधर उधर फिसलेंगे नहीं। आप इसको चाहे एक के ऊपर एक रख दीजिए तो आपके स्पीकर्स कहीं फिसल के नहीं जाने वाले। तो बात हो गई बिल्ड क्वालिटी की, तो अब मैं इसके कुछ फंक्शन और फीचर्स की बात कर लेता हूँ। इसमें हमें ये एक रिमोट भी मिलता है, अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। इस प्राइस रेंज में इन्होंने बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कंपैरिजन नहीं की है। तो चलिए आगे इसके फीचर्स और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके कुछ फंक्शंस की, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा इस बेस में यहाँ पे पीछे सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन दे रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो चार ऊपर के स्लॉट्स थे उसमें मैंने अपने स्पीकर ज्वाइन कर रखे हैं, और नीचे दो स्लॉट्स दिख रहे हैं वो आपको बता दूं किस लिए है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको एक केबल दिखाई थी जो कि ये रही, आप इस केबल को यहाँ पर लगा दीजिए, और उसके बाद आपको जो ये इधर दिख रही है 3.5 mm की पिन, आप इसको अपने फ़ोन वगैरह से कनेक्ट करके डायरेक्ट गाने बजा सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और आगे आपको दिखाऊंगा। तो अगर उसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है येलो कलर का स्लॉट्स, तो इसमें मैं बता दूँ आपको एंटीने का ये स्लॉट्स है। और अभी मैंने आपको एक और वायर दिखाई थी जो कि ये थी, आप इसको यहाँ पे लगाकर इसमें FM रेडियो वगैरह के चैनल्स बजा सकते हैं। तो अभी इसको भी यहाँ से निकालते हैं और आपको बताते हैं इसमें जो नीचे दिया गया है स्लॉट्स वो किस चीज़ का है। तो वो एक माइक का है, आप इसमें एक्सटर्नल माइक वगैरह कनेक्ट करके
कुछ भी आपके वहाँ अगर पार्टी वगैरह होती है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक्सटर्नल माइक वगैरह लगा के आप इसमें उस माइक को यूज़ कर सकते हैं। और साइड में आपको इस यहाँ पे तीन रोलिंग की दिख रही होंगी या बोले बटन दिख रही होंगी, तो इसमें आपको जो पहली बटन है वो ट्रेबल की दी गई, जिसमें आप अपना साउंड वगैरह को घटा बढ़ा सकते हैं जो इसमें आवाज़ होती है। और उसके नीचे आपको बेस का दिया गया, आपको इसमें बेस कंट्रोल भी दिए गया, आप जिसमें बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे वैल्यूम का दिया गया ऑप्शन, जिससे आप वैल्यूम भी यहाँ से कनेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये नीचे ऑन ऑफ का पावर दिया गया, आप यहाँ से भी अपने होम थिएटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और दिखाते हैं। ये जो सामने इसमें आपको यहाँ पे जो एक स्लॉट दिख रहा है वो है यूएसबी का, आप इसमें यूएसबी वगैरह लगा सकते हैं। और इसके बगल में जो ये AUX का दिया गया, तो जैसा कि मैंने बताया था जो वो केबल थी, आप इसको यहाँ पर केबल को लगा करके आप अपने टीवी वगैरह में इन पिन को लगा के आप इससे भी होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर ये SD कार्ड या मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने के लिए भी स्लॉट्स दिया गया है। तो चलिए आगे मैं अब इसको साउंड टेस्ट करता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा, बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट, जो कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले ऑन करता हूँ। तो मैंने इसका केबल पीछे स्विच से लगा रखा है, तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। ऑन करते ही ये यहाँ पे आपको रेड लाइट जलती हुई दिख जाएगी और ऊपर लाइन वगैरह की। तो मैं इसको ब्लूटूथ से गाने बजाऊंगा, तो इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ। तो मैंने अभी अपना फ़ोन ले लिया है, तो उसके लिए मैं इसका मोड जो है, आप इसमें इस रिमोट वगैरह से भी आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से मोड लगा लेता हूँ। तो ये जैसा कि आप देखें ये FM लग गया है, तो मैं अभी इसको हटाता हूँ और ब्लूटूथ, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लूटूथ लग गया है। तो अभी मैं इसको जल्दी से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अभी हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। तो ये अभी मैंने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें पेयरिंग वगैरह कर ली है, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये कनेक्ट करते वक्त एक थोड़ी सी साउंड आती है, जिससे पता चल जाता है कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसके साउंड्स वगैरह को बजाऊंगा, बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा इसका वैल्यूम ऑफ बेस है। उससे पहले बता दूं, बहुत ही तगड़ा बेस है। इस प्राइस रेंज में आपको कोई होम थिएटर या कोई मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम आपको नहीं देगा। तो मैं अभी गैलरी में जाता हूँ और बजा के आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी है, मैंने साउंड बजा दिया है। साउंड बजा के दिखाया, तो आपने देखा होगा, मैं आगे नहीं बजा सकता हूँ क्योंकि वीडियो पे कॉपीराइट जैसी चीज आ जाती है। तो अभी आपने देखा होगा इसका जो वैल्यूम हाई है, तो वो आप रिमोट से 32 तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीछे से भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप साउंड वगैरह बेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। फुल कंट्रोल इसने दिया हुआ है इसमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ऐसे रिव्यू और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइबर बटन को दबाकर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली नई वीडियो में।